हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी से रिलेटेड नहीं है। अभी तक की जितनी भी प्रीवियस मेरी वीडियोज हैं वो सारी जीएसटी के से रिलेटेड है। हालांकि आज का जो टॉपिक है वो भी टैक्स से ही रिलेटेड है, बट वो जीएसटी से थोड़ा अलग है। आज मैं बात करने वाला हूँ दो सर्टिफिकेट्स की, दो ऐसे सर्टिफिकेट्स जो इंडिविजुअल्स को कभी ना कभी चाहिए ही होते हैं, या फिर अगर फर्म्स हैं तो फर्म्स को भी कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है। क्या है वो सर्टिफिकेट? फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB। इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल को पेमेंट करते समय फॉरेन में ये सर्टिफिकेट जरूरी हो जाते हैं, फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB। विदाउट इसके बैंक्स जो है वो पेमेंट नहीं करती है। सपोज मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू इसको समझाता हूँ। फॉर्म 15CA की अगर बात करें तो ये फॉर्म ऐसा होता है जिसमें रेमिटर की डिक्लेरेशन होती है। रेमिटर जो है वो अपनी डिक्लेरेशन देता है, मतलब जो पेमेंट कर रहा है वो सारी अपने डिक्लेरेशन देगा कि हाँ मैं इस पेमेंट को इस अकाउंट में भेजना चाहता हूँ। अब फॉर्म 15CA गवर्नमेंट के लिए कैसे वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करती है, उससे गवर्नमेंट के लिए टैक्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और इस रेमिटेंस पे कितना टैक्सेबिलिटी लगती है या फिर ये एग्जेम्प्ट में आता है या जो भी चीजें हैं नॉन रेसिडेंट के लिए इसका क्या टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म निकाला है फॉर्म 15CA। उसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जबकि आप फॉर्म 15CA कैसे भर सकते हैं। अभी आज मैं ये केवल एक छोटे से मीनिंग या पर्पस के लिए आप सोच लो कि फॉर्म 15CA होता क्या है और फॉर्म 15CB क्या होता है, एक छोटा सा डिफरेंस बताना। फॉर्म 15CA की मैं बात कर रहा था तो फॉर्म 15CA इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्यों निकाला है, फॉरेन रेमिटेंस जितनी भी होती हैं और फॉरेन पेमेंट जितनी भी आप कह लीजिए उसे, उसका टैक्सेबिलिटी को क्राइटेरिया को मापने के लिए या फिर आप अगर आप कह लें उसके क्राइटेरिया को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म 15CA निकाला है। अगर आप कोई भी फॉरेन पेमेंट कर रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म 15CA रेमिटर के द्वारा भरना बहुत ही जरूरी है। रेमिटर इन द सेंस जो पेमेंट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फॉर्म 15CB की बात करूं, फॉर्म 15CB जो है आपका चार्जेबिलिटी कैन बी ascertained बाय सर्टिफाइड ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मींस यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत ही पड़ जाती है 15CB लेने के लिए। 15CB भी आपकी उस सारी पेमेंट की डिटेल होती है जो आप रेमिटेंस कर रहे हैं। पहले जो प्रोसेस होता है जनरेशन का, जब मैं आपको फॉर्म जनरेट करना बताऊंगा, तो प्रोसेस ये होता है कि आपको पहले फॉर्म 15CB ऑब्टेन करना होता है क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। वो जब आपको सर्टिफिकेट दे देगा, उस सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है कि ये बैंक डिटेल्स है, ये फॉरेन अमाउंट है, इतना इस पे टैक्सेबिलिटी लगी है, अगर तो टीडीएस कटा होगा, इतना इस पे टीडीएस लगा हुआ है, ये इसकी INR में डिटेल्स है और मैं ये सर्टिफाई कर रहा हूँ कि ये जो पेमेंट है वो मेरे हिसाब से एक्यूरेट है और सही है। इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे फिर डिक्लेरेशन जाती है फॉर्म 15CA में, जो कि रेमिटर भरता है कि फॉर्म 15CB हमने अपलोड कर दिया है और फॉर्म 15CA अब हम भर रहे हैं, हमें फॉरेन पेमेंट करनी है। ठीक है, तो फॉर्म 15CB का अगर हम डिफरेंस देखें तो महज केवल ये एक सर्टिफिकेट है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा डिक्लेरेशन ली जाती है, या एक तरह से आप कह लीजिए डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन दोनों है, जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि मास्टर होता है अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग की फील्ड में या टैक्स की फील्ड में वो मास्टर होता है, उससे वो सर्टिफाई लेते हैं कि ये जो पेमेंट हो रही है ये आपके हिसाब से कैसी पेमेंट है, क्या इसका टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ये DTAA के एग्रीमेंट्स में आती है। DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, ये मैं इसमें बाद में डिस्कस करूंगा। ये इसमें ये होता है कि फॉरेन में अगर आपकी कोई भी टैक्स, अगर इनकम पे टैक्स लगा हुआ है, तो उसका आपको यहाँ पे इंडिया में अंडर सेक्शन 90 और 91 में छूट मिल जाती है। तो वो इस टॉपिक से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, बट इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी आप इसे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहली बात, फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB का मेन डिफरेंस जो है, फॉर्म 15CA एक रेमिटर उसको डिक्लेयर करके देता है जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये असेस करने में आसानी हो जाती है कि ये पेमेंट टैक्सेबल है या नहीं है या इसका क्राइटेरिया क्या है पेमेंट का। दूसरा,
फॉर्म 15CB जो है, फॉर्म 15CB डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि ये बताता है कि हाँ ये जो पेमेंट हो रही है ये मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है और बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करते हैं जब ICI हमारी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो उन्होंने रूल लागू किया है कि जब आप जब भी कोई सर्टिफिकेट इशू करेंगे, 15CB अगर आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तो आपको एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि यूडिन के नाम से जाना जाता है, आपको यूडिन जनरेट करना जरूरी है। वो यूडिन क्या है? यूडिन आपको विद इन 15 डेज जनरेट करना होता है, जो कि ये CAs के लिए मैंडेटरी होता है कि जब आप कोई सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो आपको यूडिन जनरेट करना जरूरी है। तो आपने मान लीजिए आज की डेट अगर मैं बोलूं 27th of September, आज की डेट अगर आप इशू कर रहे हैं 15CB, तो आपको विद इन 15 डेज आपको यूडिन जनरेट करना होता है। अब वो डेट एक्सटेंड होकर 15 डेज से 30 डेज कर दी गई है कि हाँ, लेकिन वो कुछ पीरियड के लिए है, वो टिल 31st of December के लिए है, उसके बाद वो फिर 15 डेज ही होगी या फिर मे बी वो अपडेटेड होके 30 डेज ही हो जाए, जैसा भी गवर्नमेंट का रूल होता है, बट अभी वो हाल फिलहाल के लिए वो 30 डेज कर दी गई है। मेन जो है वो 15 डेज ही है कि अगर आप आज, वैसे आज मैं सर्टिफिकेट, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट आज एक इशू कर रहा है, तो उसको विद इन 15 डेज यूडिन जनरेट करना होता है। यूडिन इन द सेंस कि आपको बस एक डिटेल देनी होती है कि ये फॉरेन पेमेंट्स की बिहाफ पे मैंने एक सर्टिफिकेट इशू किया है, ये इसका यूडिन जनरेशन नंबर है, मीन्स यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। दोस्तों ये तीन खास चीजें थी जो 15CA, 15CB और यूडिन जनरेशन, जो फॉरेन पेमेंट से रिलेटेड होती है। फॉरेन पेमेंट आप कोई भी कर रहे हैं, आपको इन तीनों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यूडिन तो बहरहाल आपको मींस इंडिविजुअल के लिए तो जरूरत नहीं पड़ती है, यूडिन केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जरूरत होती है, तो ये प्रोफेशनल के लिए हो गया, यूडिन से आपका कोई लेना देना उतना नहीं होगा, बट आपका जो लेना देना है वो 15CA और 15CB से है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे अभी जो लोग अनअवेयर हैं, जो कि ज्यादा कॉस्ट देकर के यूडिन बनवाते हैं या फिर 15CA और 15CB बनवाते हैं, तो उनसे ये बताइए, अगर आप इसको अवेयर हो जाएंगे तो आप अपनी सारी पेमेंट्स के लिए 15CA और 15CB एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे की बात जो भी है, 15CA आप कैसे बनाएंगे, 15CB आप खुद से कैसे बना सकते हैं, कहां पे ये अपलोड होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमें हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, टैक्स फॉर वेल्थ को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अब हम एंड्रॉयड टीवी पे भी आ चुके हैं, और हमारा चैनल अमेजोन फायर टीवी पे भी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े। यूट्यूब पे आप कोई भी दिक्कत होती है या फिर हमारी किसी भी वीडियो पे कहीं भी दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंस्टेंट रिप्लाई करने के सोचेंगे। ओके, थैंक्स।